वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, मिलना जुलकर रहना ये सारे इंटरनेशनल के लिए एक सबक है कि कहीं भी रहो हम सब मोहब्बत के साथ एक साथ रहते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा अहमियत वाला दिन है, बहुत बड़ा मुबारक दिन है। जब देश की आज़ादी हुई अगस्त 15 को, उसके बाद में जो देश का एक कानून बनना था, देश का एक संविधान बनना था, देश के लिए कुछ चीज़ें बनना था, तो उस वक्त में जो है कई कमेटियों ने बैठकर, खास कर से ब्रदर अंबेडकर जी जिनको हम सबको सैल्यूट करना है, और उनमें
बहुत सारे लोग जो है वल्लभभाई पटेल और भी बहुत सारे कमेटियों ने बैठकर इस देश के ये कानून को बनाया और इसको उर्दू में देश का कानून कहते हैं और इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हिंदी में भारत का संविधान कहते हैं, जो कि आज हम सबको किसी को भी ये बात मालूम नहीं है। ये बात हमारे को जानकारी करना बहुत ही ज़रूरी है। आज हिंदुस्तान में जितने कोर्ट चल रहे हैं, जितनी लॉ चल रही है, जितना कानून चल रहा है, ये देश के संविधान के ऊपर चल रहा है। अगर कोई बड़ा कलेक्टर देश में बन जाए, बड़े आईजी बन जाए, बड़े डीजी बन जाए, जज साहब बन जाए, मगर उनको इस भारत के संविधान को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे भारत का संविधान देश में सबसे ज़्यादा ऊंचा है। हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बड़े हैं, हम समझते हैं चीफ मिनिस्टर बड़े हैं, हम समझते हैं फलाने नेता बड़े हैं, हम समझते हैं फलाने गली के जीतने वाले कॉरपोरेटर बड़े हैं, हम समझते हैं कि ये बड़े हैं, मगर देश का संविधान कहता है कि देश के संविधान से ऊंचा और देश के कानून से ऊंचा कोई भी नहीं था। 1950 में इस देश के संविधान को जो है लॉन्च किया गया और इसको कंप्लीट किया गया और बताया गया कि काले गोरे को एक ही राइट है, हिंदू मुस्लिम को एक ही राइट है, और क्रिमिनल्स का क्या एक्ट होगा, सिविल का क्या एक्ट होगा, किसको क्या सज़ा मिलेगी और किसको क्या जजा मिलेगी। हाँ, आज देश में रिश्वत बढ़ने की वजह से और देश में आज बहुत सारे गलतियाँ होते हैं, मगर उसका मतलब भारत के संविधान में गलती नहीं है। यहाँ तक कि जिनको पनिशमेंट होता है वो प्रिजनर्स के क्या राइट्स हैं, जो जेल में रखते हैं उनके क्या राइट्स हैं, अंडर ट्रायल के क्या राइट्स हैं, और अरेस्ट करने के बाद उस इंसान के क्या राइट्स हैं, करके भारत के संविधान में बहुत ही क्लियर से, बहुत ही नीट से जो है भारत के संविधान में बताया गया है। तो आज बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए कि हम चाहते हैं कि हमारे भारत के संविधान को हम रिपीट करें, हमारे बच्चों को सुनाएं और सिखाएं और उनको एकता की दावत दें, घरों के अंदर उनको मोहब्बत का पैगाम हम बताएं कि हमारे बच्चों को ये देखो कि भारत के संविधान में हम सबको मिलजुल कर रहना सिखाया, लड़ाई झगड़ा करना और कम्युनल वायलेंस करना और देश में ये चीज़ें सिखाना कि हम ये जात से हैं, तुम वो जात से हैं, तुम वो बात से हैं, हम देश में इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए हमको हमारी फाइट को जारी रखना है। यही हमारा भारत का संविधान हमको सिखाता है। आज बड़ी मुबारकबादी पेश करती हूँ मैं आप सबको कि यहाँ पर बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए और ख़ासकर से आप सब यहाँ पर जो आए हैं, मैं उन सबको बड़ी मुबारकबादी पेश करती हूँ। बड़ी खुशी हो रही है आप सबको यहाँ पहुँचते हुए देख कर कि हम ये भारत के संविधान और कई सालों तक, हज़ारों हज़ारों साल तक हमारा भारत चमकता रहे, हमारे भारत में हमारा संविधान चमकता रहे और हमारे संविधान के कानून चमकते रहे और हमारे भारत के संविधान में हम सबको ज़रूर से ज़रूर जस्टिस है, छोटे से लेकर बड़े को, गरीब से लेकर अमीर को, अमीर से लेकर गरीब को, नेता से लेकर नॉर्मल इंसान को, सबको इक्वल राइट्स, इक्वल जस्टिस जो है भारत का संविधान दिया है। 1950 में जो है लॉन्च हुआ था और हमको अल्लाह से दुआ करना चाहिए, गॉड से दुआ करना चाहिए, हम सबको प्रेयर करना चाहिए कि ये भारत का संविधान सही सलामत रहे और इसको कायम रखने में हमारा हाथ रहे। इसको कायम रखने के लिए हमारी मेहनत होना बहुत ही बड़ी ज़रूरी है। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले।